फ्लोर. तो जब वो छोड़ के जब वो टीवी में नहीं आए, पहले तो उन्होंने अपनी कला को निखारने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि इससे क्या हो सकता है. तो उनको बहुत ऑफर्स आने लगे. ये बात मैं बाद में करूंगी कि वो भी वो नहीं चाहते थे, फिर हमने क्या बातें करी और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन करा. उसके प्रखर पे थे वो, बिल्कुल ही ऊंचे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर ही वॉज. एंड बिकॉज जब उनको उनसे जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, जब उनको उससे वो कहते हैं ना कलाकार को वो सुख नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा. लेकिन वहां पे भी लोगों का वर्चस्व था, वो नहीं चाहते थे कि वो छोड़े, तो उनको वहां पे भी रोका गया. लेकिन उन्होंने छोड़ के एक फिल्म करी. वहां पे वो इतने ज्यादा लोगों के इतने करीब हो गए, लोकप्रिय हो गए, तो ये भी चला. तो इंडस्ट्री ने भी उनको देखा कि अच्छा कोई अलग सा आया है और वो कुछ कर रहा है और अच्छा कर रहा है. लेकिन 2016 में जब सुशांत, आई विल टेल द होल वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू टेल इट टू एवरीबडी हुज कनेक्टेड टू सुशांत, कि इट वॉज हिज आइडिया कि एक बायोपिक उस पर बनाए जो आज भी वो काम कर रहा हो, जो आप जानते हैं MS धोनी, वो आज भी क्रिकेट खेल रहे थे. बायोपिक उन पे बनती है जो कुछ अपनी मुकाम, अपने जो भी उनका फील्ड होता सुपर है, हिट मूवी एग्जैक्ट वो नहीं, आप सही बोल रहे हैं. लेकिन वो मुकाम को वो जब यू नो अचीव कर लेते हैं अपने फील्ड में, तब उन पे बायोपिक बनती है. सुशांत वॉज द फर्स्ट वन हु थॉट कि हूएवर इज इन हार्नेस, हूएवर इज डूइंग द स्टिल परफॉर्मिंग इन दैट फील्ड, उस पे बायोपिक बनाए. तो वो उनका उनकी सोच थी, उनका आइडिया था. Whoever is trying to take the credit, I tell you, it was Sushant's idea to Priyanka, make a biopic. इतना successful actor, अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ, middle class family से आया, बिहार का लाडला, इस देश का लाडला, और जब ये success story है, तो क्या आपको दर्द नहीं होता कि जब आप मीडिया में पढ़ती हैं कि इस तरीके की स्टोरीज आती हैं कि सुशांत एक ड्रगी था, सुशांत नशा करता था, does it pain you? क्या आपको दर्द होता है जब आप ये पढ़ती हैं? पहले तो ये कितना गलत है, ये स्मियर कैंपेन को कब रोकेंगे ये लोग, ये नेक्सस कब अपने आप अपने यू नो औकात में आएगा कि यहां तक पहुंच गए आप लोग कि आज बोल रहे हो वो ड्रगी है. जिस केस की हम बात कर रहे हैं, केस नंबर 16 जो कि RC रिया चक्रवर्ती के चैट से बाहर आया ED के यू नो इंक्वायरी में, तो उसके बाद ये बात आई कि कैसे द केस वॉज एंड इज स्टिल कि कैसे ये 35 accused वर पार्ट ऑफ द सिंडिकेट हु वर सेलिंग ड्रग्स टू हाई एंड माइटी हाई सोसाइटी इन बॉलीवुड. कोई हाई सोसाइटी बॉलीवुड की तो बात करी नहीं. यस प्लीज बेयर विथ मी. तो आप वहां से शुरू करते हो और आज जब आप इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करते हो, और बाय द वे let it be very clear, charge sheet was filed 3rd March, if I'm not wrong, but in March 2021. And this is the procedure. FIR hota hai, agar koi offense hua, jo aapke sandarbh mein, aapke knowledge mein aata hai, to aap FIR karte ho. Aap uske baad investigation hota hai. Wo FIR mein jo dharayein lagti hai, ya section lagta hai, it's not limited to that. I and you may see somebody being just, you know, किसी के साथ किसी को छीन के डकैती करके उनकी चीज लेके भाग गए. अगर हमने हमारे संदर्भ में ये आया, हम एजेंसी को बोलेंगे, पुलिस को बोलेंगे कि हमने ये देखा. दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट्स FIR. बट इफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गोज एंड फाइंड्स कि देयर वाज अ मर्डर आल्सो, सो दैट FIR इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विल इंक्वायर फर्दर ऑन दैट इंसिडेंट. तो ये जब आपके संदर्भ में आया कि ऐसा कुछ हुआ है, FIR हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन चालू होता है और उसके बाद चार्जेस चेंज हो सकते हैं, धाराएं बदल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं. हाँ, और वो जब आपके पास धाराएं आते हैं तो आप चार्जशीट फाइल करते हो. चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, हु इज पुलिस इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, CBI, यू नो NCB,
ईडी इसमें आप चार्जशीट की बात कर रही हैं प्रियंका, मैं आपको रोक रहा हूं। इसी चार्जशीट में बात हुई है कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने की कोशिश की गई थी। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल किया है। अब सुशांत की जिंदगी के अंदर रिया चक्रवर्ती थी, रिया चक्रवर्ती ने तमाम इंटरव्यूज दिए ये कहते हुए कि वो बेगुनाह है, वो तो कुछ नहीं करती थी, सिर्फ वो ड्रग सप्लाई, सुशांत जो था वो ड्रगी था। तो आप, क्योंकि आप इतना करीब से सुशांत को जानती हैं, आप लोखंडवाला में भी रही हैं उनके साथ में, वो आपको सोन चिड़िया कहते थे जिस नाम से आपको जिक्र करते थे वो, तो क्या ये पूरे जो आरोप है सब झूठे हैं? ये पूरी एक क्या लार्जर षड्यंत्र था? क्योंकि एक एक्टर जो बिहार से आया था, मिडिल क्लास परिवार का था, किसी कैंप में नहीं था, वो सक्सेसफुल हो रहा था, इसीलिए उसको किसी भी तरीके से ड्रगी बता दो, नशेड़ी बता दो, आपको लगता है ये? इसीलिए उसको खत्म कर दो, उसकी उसका करियर खत्म कर दो। That's where they began. आपने पूछा ना मुझसे कि मुझे कब से ये पता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कौन खत्म करना चाहते थे करियर? Those who are the mighty of the Bollywood. जो हाई एंड की बात हो रही है। Yes. Those who control it. क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनको है कि भाई हम जो करेंगे बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल ही अशुद्ध अवस्था में कुछ भी बनाएंगे और पूरी जनता उसको बहुत ही यू नो दे विल टेक इट लैप इट अप कि मैं कुछ भी घटिया मूवी में बनाऊंगा तो जनता उसको ऐसे अपने दिलों से लगाएगी और हम फिर भी फेमस रहेंगे और हमें फिर भी पैसे मिलेंगे। तो जब कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आता है, जब आपके सामने कोई बहुत अच्छी चीज यू नो प्रोडक्ट लेके आता है, एक कलाकार जो कला दिखाता है, तो आपको तो इनसिक्योरिटी होगी कि हम तो वो नहीं कर पा रहे हैं, ये कर रहा है तो इसको हटाओ, पहले तो इसको हमारे पास लाओ, नहीं होता है तो हटाओ। ये हुआ है सुशांत के साथ। आज जब हम जितने भी लोगों की बात करें, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने पुरजोर कोशिश करी उसको अपने तरफ खींचने की, और अपने तरफ खींचने की मतलब उसको पैट्रोनाइज करने की। लेकिन मेरा भाई, मेरा सोलमेट कहता तो आपको यस, वो जो इतना बड़ा व्यक्तित्व था उसमें ये जज्बा तो था कि वो किसी को बुरा नहीं बोलता था, लेकिन वो किसी के सामने झुका नहीं, और ये हुआ है उसके साथ। तो आज आप स्मियर कैंपेन चला लो, कुछ भी बोल दो उसके बारे में, आज वो नहीं है। तो एनसीबी, ये एक बात बता दूं, ये जो केस है केस नंबर 16 जिसमें 35 अक्यूज्ड हैं, और क्यों एक साथ 35 लोग होंगे? क्योंकि वो एक तरह से जुड़ा हुआ केस है, उसमें कॉन्स्पिरेसी की बात हुई है, कॉन्स्पिरेसी टू सप्लाई टू हाई सोसाइटी एंड बॉलीवुड। और आज एनसीबी अगर ये बताती है कि, और मैं और भी इसके यू नो बारीकियों में जा सकती हूं इफ यू अलाउ मी, बट आई विल टेल यू ऑन द ओवरऑल कि आज आपको एक ही कंज्यूमर मिला है, वो है सुशांत, वो भी उनके स्टेटमेंट्स पे जो कि अक्यूज हैं इवन इन द अदर केस, मतलब सुशांत डिमाइस। प्रियंका, मैं बीच, मतलब आप जो इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हैं, आप ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हैं कि एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी भी तरीके से सुशांत को एक नशेड़ी घोषित कर दो, जो नहीं था, और एक पूरा षड्यंत्र, एक माइटी लॉबी रचने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत जो रियल क्रिमिनल्स हैं, जो रियल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, वो छूट जाए। बिल्कुल, अगर आपने 35 लोगों को अक्यूज बोला है, और अगर कुछ ये सारे सप्लाई कर रहे थे, तो किसको सप्लाई कर रहे थे? आप सप्लाई चेन बताओ ना। आपको एक ही सप्लाई चेन पता चला कि आपको, कि अच्छा सुशांत ले रहे थे, वो भी उन लोगों के स्टेटमेंट के बेसिस पे जिसको आपने उनके यू नो व्हाट्सएप चैट में पकड़ा था, और आज बोल रहे हो कि उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली बोल लिया कि हम तो उसके सुशांत के लिए ले रहे थे, और आपने मान लिया। आपने ये बोल सकते थे एलिजिबली फॉर सुशांत, आपने ये क्यों मतलब बोला? क्या एक पूरी लॉबी है जो किसी भी तरीके से सुशांत को नशेड़ी घोषित करना चाहती है? आप नशेड़ी तो अब बोल रहे हैं, ये पहले